सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 3 लाख रुपए के अंदर एक जबरदस्त जो है एडिटिंग पीसी बिल्ड। अब यहाँ पे ये मैं पर्सनली अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा करंटली जो एडिटिंग सिस्टम है ना, उसमें हार्डवेयर काफी ज्यादा पुराना हो चुका है एंड मुझे लगता है कि अब फाइनली हमें एक जबरदस्त अपग्रेड यहाँ पे कर लेना चाहिए, जिससे हमारी यूट्यूब की जो वीडियोज हैं वो स्मूथली एडिट हो सके और फास्टली रेंडर भी हो सके, ताकि जल्दी से जल्दी जो है हम आप लोगों के लिए वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड कर सके। तो यहाँ पे गाइस, आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने इसमें यूज करे हुए हैं और साथ ही साथ कैसी परफॉर्मेंस जो है हमें इस पीसी से यहां पे मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये जबरदस्त पीसी बिल्ड की वीडियो। सो गाइस, फिर आज के मेरे इस पर्सनल पीसी बिल्ड को करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर के केस में 5950X प्रोसेसर है, AMD के Ryzen 9 सीरीज का, वो भी X570 Taichi Razer Edition मदरबोर्ड के ऊपर। जहां तक रैम की बात है तो वो हम 32GB इस्तेमाल कर रहे हैं G-Skill की Tizen Royale सीरीज के अंदर। साथ ही साथ स्टोरेज के केस में हम ORS की 1TB NVMe SSD के साथ गए हैं, और ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो वो AMD का टॉप ऑफ द लाइन Radeon RX 6900 XT है, 16GB की GDDR6 मेमोरी के साथ। और यहीं पे हमारे प्रोसेसर को कूल करने के लिए ORS का 360 वाटर फोर्स AIO यानी ऑल इन वन लिक्विड सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए जो पावर सप्लाई हमने यहाँ पे ली है वो Antec की HCG 1000 वाट की पावर सप्लाई है। अब आई नो गाइस, थोड़ा सा ओवरकिल है बट काफी हद तक फ्यूचर प्रूफ भी है। वहीं पे गाइस, ये सारे कंपोनेंट जिस कैबिनेट के अंदर जाने वाले हैं वो कूगर का कंकर होने वाला है, जो कि दिखने में ही खाली सुंदर नहीं लगता है, बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तभी मैंने यहाँ पे इसे चूज करा है। यहीं पे गाइस, सिस्टम की पूरी ओवरऑल सुंदरता को थोड़ा और बढ़ाने के लिए जो कस्टम केबल्स में यूज करने वाला हूँ वो सेंसाई मॉड्स की तरफ से है। सो थैंक यू सेंसाई मॉड फॉर सेंडिंग दीज केबल्स। तो यहाँ पे गाइस, ओवरऑल जो है हम कुछ यही कंपोनेंट्स का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के जो है पीसी वो बिल्ड करना शुरू करते हैं। Just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure.
गाइस यहाँ पे फाइनली काफी सारी मेहनत करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो सुंदर सा पीसी है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। एंड कूगर के इस कंकर कैबिनेट और जो इंटरनल कंपोनेंट्स में RGB लाइटनिंग चमक रही है वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे मैं एक ह्यूज थैंक्स भी देना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स को, जैसे कि ASRock, AMD और सेंसाई मोड, क्योंकि इन्होंने हमारी काफी ज्यादा हेल्प करी है इस पीसी बिल्ड को करने में, तभी जो है यहाँ पे ये पॉसिबल हो पाया है। तो ह्यूज थैंक्स टू देम। अब यहाँ पे खाली मैं इस पीसी की जो है तारीफ ही नहीं करने वाला हूँ, अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की जिसके लिए ये बनाया गया यानी एडिटिंग की, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने AAA टाइटल्स की जितनी गेम्स इस पे बेंच करी थी वो 4K अल्ट्रा सेटिंग्स पे थी और वहाँ पे हमें 60 FPS से भी अबव मिल रहे थे, जो कि गाइस बहुत ही अच्छी बात है। अब हालांकि यहाँ पे ये गेमिंग के लिए नहीं बनाया गया है, बट फिर भी आप इस पे बहुत अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो 4K पे। अब वहीं पे अगर बात करता हूँ मैं एडिटिंग की, तो यहाँ पे जितने भी हमने हैवी सिंथेटिक बेंचमार्क्स करे, जैसे BMW का ब्लेंडर रेंडर था, क्लासरूम का ब्लेंडर रेंडर था, या फिर काफ़ी हैवी गूसबेरी का ब्लेंडर रेंडर था, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फास्टर सीन्स रेंडर हुए हैं। तो यहाँ पे गाइस एडिटिंग में हमारी जितनी भी नीड होने वाली है, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स है, प्रीमियर प्रो है, या और डाविंची रिजॉल्व या जितने भी सॉफ्टवेयर, उनमें हमें काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और हमारा अच्छा खासा टाइम सेविंग भी होने वाला है, जिसकी वजह से हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी जो है YouTube पे वीडियोस को अपलोड कर पाएंगे। तो गाइस इस पीसी को बिल्ड करने का आज का जो मेरा मकसद था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। और अगर आप लोग भी ऐसा ही हमारी तरह एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो डेडिकेटेडली एडिटिंग के लिए, तो आप सभी को जो है इन सभी कॉम्पोनेंट्स के जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और अपना भी सेम एज इट इज पीसी बना सकते हो। बाकी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे लाइक बटन दबा के जो है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आज के इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो गाइस इस पीसी को जो है मैं कस्टम हार्ड लाइन कूलिंग करने वाला हूँ, CPU से लेके GPU तक पूरा, और इवन डिस्ट्रो ब्लॉक तक यहाँ पे हम लगाएंगे। तो जल्दी से लाइक ठोक के जो है इस वीडियो को 100 लाइक से भी पार ले जाओ गाइस। और आप लोगों को आज की कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस जो हैं और भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।